brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। संविधान बना है, इसमें 80-90% सनातनी थे। क्या संविधान जो बना है, 90% सनातनी थे। आपको क्या लेना देना है? हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है, और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? मोदी जी नौकरी पे क्यों नहीं बोल रहे भाई? गरीबी पे क्यों नहीं बोल रहे? क्या हुआ काले धन का? क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? क्या हुआ गंगा सफाई अभियान का? इनको और कुछ तो आता नहीं है, केवल जो है हिंदू मुसलमान की बात करना है, तलवार की बात करना। हम बोलते हैं कलम दो ना लोगों के हाथ में, कलम क्यों नहीं दे रहे? इतिहास का भूगोल ये सब ना पढ़ाए हम लोगों को? आप 10 साल प्रधानमंत्री हैं, आपने क्या किया ये बताओ? कौन उस समय था, नहीं था, क्या था? सवाल आपसे जनता करेगी। संविधान बना तो इतने लोग सनातनी थे, ये क्या मतलब है भाई? आपका क्या भला है इससे? हम तो पत्रकार भाइयों से पूछते, इतना व्याकुल रहते हैं आप लोग। सनातनी के नाम सुनते ही आप लोग चाहते हैं मोदी जी इस तरह का बात बोले, और आप लोग तुरंत माइक लगा देते हैं। इतने जोरदार तरीके से आपने कभी मोदी जी के मुंह में माइक लगा के हिम्मत की है पूछने के लिए कि नौकरी क्यों नहीं दी? आप 2 करोड़ बोलते थे खाते में, क्या मजाक बना रखे हैं? और आप लोग से भी कृपा करते हैं कि बिहार का भला इन बातों पर नहीं होगा, काम की बातों पर होगा। एक कीचड़ वाला जो फूल जो खिलता है इससे भी मोबाइल चार्ज नहीं होता है, उनको बता दीजिए। अरे भाई क्यों नहीं आएगा? लोग आएंगे जाएंगे, सब अपनी बात को रखेंगे, अपने गठबंधन के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। जेडीयू के बड़े नेता ये कह रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल है तेजस्वी की, तेजस्वी यादव लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव इसलिए नहीं जाते कि उनका छवि खराब है जनता के बीच में, ये जेडीयू के बड़े नेता बार बार कह रहे हैं। लालू जी जो कर रहे हैं रैली, वो आप लोग भाषण नहीं सुन रहे? लालू जी के नेतृत्व में सब हम लोग चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब जाते तो हमारा तो पूरा सम्मान है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में क्यों नहीं गए? आज तो 2 जगह प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, गया में और आपका पूर्णिया में, वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? इधर उधर की बात ना करें, लालू जी तो जेबे करेंगे, वो करेंगे समय पर जब जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप बताइए ना, प्रधानमंत्री के मंच पर मुख्यमंत्री क्यों बने? क्या बीजेपी को किसी बात का डर लग रहा है? ये बीजेपी के लोगों को क्लियर करना चाहिए ना। और जदयू के लोगों को पूछो कि बीजेपी के लोग उनके जो सबसे सर्वमान्य नेता है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको मंच पर क्यों नहीं बैठाना चाहती है?